कानपुर नगर सीमा में कॉमर्शियल वाहनों द्वारा अराजकता तेजी से बढ़ चुकी है। इसके विरोध में रिक्शा और ई रिक्शा एसोसिएशन के सदस्यों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। रिक्शे वाले मन मुताबिक सवारियां बैठा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत से बिना लाइसेंस और मानकों के ई रिक्शे हर जगह तेजी से चल रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंडलायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया है। हमारे कुछ प्रशासन की गलतियां थी जिससे ई रिक्शा जो है यहां पर प्रचलित हुआ। सबसे पहला मैं व्यक्ति हूं जो गवर्नमेंट ने हमको प्रशिक्षण दिया और हमारा लाइसेंस बनाया और हमने रिक्शा चालक संचालन कराया। उसके बाद में हमने देखा कहने का मतलब कि नगर निगम ने बगैर मानक निर्धारण के 7 सीटर के नाम से अन्य मालिकों से साठगांठ करके 7 सीटर मतलब विक्रम की जगह पर इसका अनुबंधन शुरू किया और 720 रुपये शुल्क की बजाय 1700 रुपये वसूल शुरू किया। मानक लाइसेंस जो है ड्राइवरी नहीं होने के कारण शहर में रिक्शा अराजकता बढ़ गई। बजट पेश करते हुए कानपुर को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सुरेश खन्ना ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। आतंकवादी घटनाओं की अगर बात की जाए तो चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसके तार कानपुर से ज़रूर जुड़े नज़र आते हैं, जिसको लेकर आज जो बजट पास किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में एटीएस के मुख्यालय खोले जाएंगे जिनमें कानपुर, मेरठ, बहराइच, आजमगढ़ और रामपुर भी शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज पहला विधानमंडल में अपना करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का पहला बजट पास किया है, जिसमें सुरेश खन्ना जो वित्तीय मंत्री हैं उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर अपना ये बजट भी पास किया है। उन्होंने कहा भी है इस बात को लेकर कि चाहे कहीं भी आतंकवादी घटनाएं हों, चाहे सैफुल्ला एनकाउंटर की बात की जाए या अन्य कोई आतंकवादी घटनाएँ हों, जिसके तार हमेशा कानपुर से जुड़े पाए गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के इन जिलों में एटीएस मुख्यालय होना भी जरूरी है, जिसको लेकर आज जो है बजट पास किया गया है और इन चार जिलों में एटीएस के मुख्यालय जल्द ही बनना शुरू हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।